हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है वन संरक्षण हेतु यानी वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठ आवश्यक है, या इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ लेता, हमें वन तथा वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। ठीक है, आइए आंसर समझते हैं। वनों का संरक्षण निम्नलिखित कारणों से करना चाहिए। पहला, वनों से हमें फल, मेवे, सब्जियाँ तथा औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ, मेडिसिन प्राप्त होती है। दूसरा, हमें वनों से इमारती लकड़ी तथा जलाने वाली लकड़ी ईंधन के रूप में प्राप्त होती है। तीसरा, वन्य पर्यावरण में गैसीय संतुलन बनाने में सहयोग देते हैं। ठीक है, चौथा, वृक्षों के वायवीय भागों से पर्याप्त मात्रा में जल का बाष्पन होता है जो वर्षा के एक स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक, पांचवा, ये मृदा अपरदन एवं बाढ़ पर नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। छठा, ये वन्य जीवों का आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक, सातवा, ये धन प्राप्ति के लिए अच्छे स्रोत हैं। ओके, हमें वन्य जीवों को निम्न कारणों से संरक्षित करना चाहिए। पहला, वन्य जीव प्राणी स्थलीय खाद्य श्रृंखला के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा, ये प्राणियों को प्रजाति यानी स्पीसीज को बनाए रखने में उत्तरदायी होता है जिससे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ सुरक्षित रह सके तथा उनका अध्ययन सरलता से किया जा सके। तीसरा, वन्य प्राणियों से हमें अनेक बहुमूल्य उत्पाद जैसे ऊन, अस्थियाँ, सींग, दांत, तेल अथवा फेट आदि प्राप्त होती है जिनका उपयोग हम अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। सो थैंक यू, यही आपका आंसर हो गया।